हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। आज के वीडियो में आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं लगातार नहीं बोल पा रहा हूँ और इसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको कम्युनिटी सेक्शन में बता रखा है। बट टेंशन मत लो, आज का वीडियो बहुत अच्छा होगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि आपको लेटर राइटिंग कैसे करना है, लेटर टू द एडिटर कैसे लिखना है, प्रॉपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट और बॉडी में क्या क्या लिखना है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एडुकेशन भैया ऐप में रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन के नोट्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जो आपको 149 रुपीस में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 25 से भी ज्यादा नोट्स हैं। और आज से जब से ये वीडियो लॉन्च हो रहा है, हम हमारे कोर्स का प्राइस 999 से 499 करने वाले, क्योंकि हमें पता है कि आपके बोर्ड्स आने में बहुत कम टाइम बचा है और हमारे ऐप में 15 घंटे से भी ज्यादा के लेक्चर्स हैं। तो अगर आपके पास मोर देन वन डे बाकी है तो आप इस कोर्स को आराम से ले सकते हो, बस अच्छे से अपना टाइम डेडिकेट करके सारे वीडियोस को देख लेना। साथ ही साथ आपको इस 499 के कोर्स के साथ 149 का नोट्स बिल्कुल फ्री मिले। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग खरीद सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब ध्यान से स्क्रीन में देखना, आपका जो लेटर होता है ना, वो दो टाइप का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम फॉर्मल पर्पसेस के लिए लिखते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज में आपको लेटर लिखना हो, किसी नगर निगम वाले को लिखना हो, किसी एडिटर को लिखना हो, कभी जॉब पर्पस के लिए लेटर लिखना हो गया, तो उन सब चीजों में हम फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते हैं। लेकिन वहीं पे हम इनफॉर्मल लेटर्स अपने चाचा भतीजा, घर, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब चीजों में लिखते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, इनफॉर्मल लेटर्स आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपके एग्जाम्स में सिर्फ फॉर्मल लेटर आएगा। तो क्लास 12th वालों, आपके एग्जाम में ऑप्शन होता है और करके कि या तो आपको लेटर टू द एडिटर करना है या तो आपको लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन करना है। तो आपको एग्जाम के टाइम में जो भी इजी लगे आप उसे कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट बताऊंगा और उसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा। और जॉब एप्लीकेशन के लिए तो मैं ऑलरेडी एक अच्छा सा वीडियो बना चुका हूँ, बस आपको सर्च करना है जॉब एप्लीकेशन बाय एडुकेशन भैया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है, फॉर्मेट के एक नंबर मिलते हैं, मतलब आप लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखोगे, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, उसके एक नंबर मिलते हैं। मतलब कि आप लेटर राइटिंग को कैसे लिख रहे हो, सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। मतलब कि आप लेटर राइटिंग को कैसे लिख रहे हो, मतलब सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है, उसके बाद लास्ट में आपको एंड करना है थैंकिंग यू करके। तो ये सब चीज को प्रॉपरली लिखने का आपका एक मार्क्स होता है। मतलब कि अगर आप लेटर राइटिंग के अंदर कुछ उल्टा सीधा भी लिख रहे हो, लेकिन आप इन फॉर्मेट को सही से बैठा लोगे ना, तो आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर दो नंबर कंटेंट के होते हैं, उसमें आता है कि आप लेटर राइटिंग के अंदर लिख क्या रहे हो, मतलब कुछ भी अनाप शनाप तो लिख के नहीं आ जा रहे हो। अगर कुछ भी अनाप शनाप लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, दो नंबर। फिर एक्सप्रेशन के दो नंबर होते हैं, जिसमें से आपका एक्यूरेसी आता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो आपका एक नंबर कटेगा। और साथ ही साथ अगर आप अच्छे से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करके नहीं लिख रहे हो, अच्छे से फ्लुएंसी मेंटेन करके नहीं लिख रहे हो, तो फिर से आपका एक नंबर कटेगा। तो ऐसे ही आपको लेटर राइटिंग में 5 मार्क्स मिलते हैं, एक मार्क्स फॉर्मेट के, फिर 2 मार्क्स कंटेंट के, फिर 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के। आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया। चलो अब हम लोग लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर रखो कि सेंडर और रिसीवर क्या होता है। आप लेटर को लिख रहे हो, मतलब कि आप लेटर को भेज रहे हो, मतलब कि आप सेंडर हुए, और उस लेटर को जो रिसीव कर रहा है, मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हो, वो आदमी रिसीवर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आपको सेंडर से एड्रेस लिखना है, मतलब आपका खुद का एड्रेस लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवेन होगा। मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपको खुद का एड्रेस लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवेन होगा। आपको खुद का घर का एड्रेस नहीं लिखना है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मार्क्स कटेगा। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, आपके क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया होता है, साथ ही साथ आपका नाम भी दिया रहता है, आपको खुद का नाम भी नहीं लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया रहेगा, यू आर राज स्लैश रानी, तो तुम अगर लड़के हो तो तुम राज लिख सकते हो, तुम लड़की हो तो रानी लिख सकती। फिर आगे एड्रेस भी दिया रहेगा कि यू आर लिविंग इन पिस्का मोड़ रांची झारखंड। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर क्वेश्चन में आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है तब क्या करना है। तब आपको सीधा लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा देना है, और सेकंड वाले लाइन में अपना सिटी और अपना स्टेट का नाम और अपना पिन कोड लिख देना, बस बात खत्म। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सेंडर एड्रेस कैसे लिखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन वाला सेंडर एड्रेस लिख देना, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है और डेट लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डेट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 22 FEB या फिर 26 FEB। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है 22 February 2024 या 26 February 2024। समझ में आ गया कि डेट कैसे लिखना है। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रिसीवर नेम, डिजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखना है। अब ये चीज भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि रिसीवर का नाम क्या है या फिर डिजिग्नेशन क्या है और उसका एड्रेस क्या है।
इसका सवाल ही नहीं उठता कि ये आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है और सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब आपका लेटर किस टॉपिक पे है। जो भी टॉपिक होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। डरो नहीं, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है और फिर सैल्यूटेशन वाला पार्ट लिखना है। अगर तुम मेल को लिख रहे हो तो सर हो जाएगा, अगर तुम किसी फीमेल को लिख रहे हो तो मैम हो जाएगा। यहाँ पे डियर सर या डियर मैम लिखने की कोशिश मत करना, ये फॉर्मल लेटर राइटिंग है, तो या तो सर लिखना या तो मैम लिखना काफी है। सिर्फ सर भी लिखोगे तब भी चलेगा, सिर्फ मैम भी लिखोगे तब भी चलेगा। उसके बाद एक छोटा सा कॉमा देना है और फिर एक लाइन छोड़ना है और यहाँ से तुम्हें बॉडी वाला पार्ट लिखना स्टार्ट करना। अब क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है तो आपको इसके बॉडी वाले पार्ट में मिनिमम 3 पैराग्राफ इंक्लूड करना है। एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, एक मिडिल पार्ट होगा और एक कंक्लूजन होगा। वो मैं तुम्हें अगले पेज में बताता हूँ, ठीक है? लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें प्रॉपरली बताऊंगा कि लेटर टू द एडिटर के तीनों पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है। सेम टू सेम छाप के आ जाना, तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि लेटर टू एडिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे डिटेल में बता रहा हूँ। जल्दी से फॉर्मेट को खत्म करते हैं, फिर अगले पेज में मैं तुम्हें बॉडी वाला पार्ट बताता हूँ। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है और लिखना है थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर योर सिंसियरली, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। और फिर उसके जस्ट नीचे सेंडर्स नेम, मतलब कि आपका नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। और अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन में आपका नाम नहीं गिवन होता है तो आप एक्स वाई जेड लिख देना, आपको अपना असली नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। ये जो आपने 3 लाइन में लिखा थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर योर सिंसियरली और उसके नीचे अपना नाम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। सो बेसिकली यही फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का। आपको आपके सभी फॉर्मल लेटर्स में सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, बस सबकी बॉडी डिफरेंट होगी। लेटर टू एडिटर का बॉडी अलग होगा, इंक्वायरी लेटर का अलग बॉडी होगा और कंप्लेंट लेटर का अलग बॉडी होगा। हम लोग सब देखेंगे, एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहले हम लोग लेटर टू एडिटर देखते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके एग्जाम्स में तो आएगा ही आएगा। तो लेटर टू एडिटर का जो बॉडी होता है उसके इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स, और फिर टूवर्ड्स के बाद आपके क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ होगा ना उस प्रॉब्लम को वहां पे लिख देना। सपोज साउंड पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है तो वो वहां पे लिख सकते हो, सैनिटरी लीकेज का प्रॉब्लम है तो वो भी आप वहां पे लिख सकते हो। बेसिकली आपके क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम दिया होगा वो वहां पे लिख देना और ऐसे आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन तुम लेटर टू एडिटर के सारे क्वेश्चन में घुसा सकते हो। ये एक तरह से मैजिक लाइन है जिसे तुम हर जगह यूज कर सकते हो। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में, मतलब मिडिल पैराग्राफ में, तुम्हें मेन रीजन ऑफ प्रॉब्लम लिखना है। सपोज वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, आपके लोकेलिटी में इतना वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है और इससे लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है और इससे लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है। मतलब बेसिकली आप लिख सकते हो कि इससे बहुत ज्यादा डिजीजेस फैल रहा है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे करके लोकेलिटी खाली करके जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता है, रेंट का प्रॉब्लम हो गया है, हम यहाँ पे रेंट नहीं लगा पा रहे, कोई यहाँ पे आके रहना नहीं चाहता है, और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स तुम डिस्कस कर सकते हो जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है। साथ ही साथ तुम इसी पैराग्राफ में सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर सकते हो कि अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारा सोसाइटी का पानी इतना ज्यादा गंदा हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसे अच्छा कैसे कर सकते हैं। तुम ये भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, तुम्हारे लोकेलिटी के सारे लोगों को साथ आकर क्या करना चाहिए, मतलब तुम्हारे लोकेलिटी के लोगों को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, फिर जो मीडिया वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं, टेलीविजन वाले होते हैं, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, यही कि वो अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, वो सारी बातें तुम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। एंड मेक श्योर ये जो आपका मिडिल वाला पैराग्राफ हो ये बड़ा हो। कोशिश करना आपका मिडिल वाला पैराग्राफ 8 से 10 लाइन का तो होना ही चाहिए। इसके बाद हम आते हैं हमारे कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में। अगर तुम यही वाला सेम टू सेम लाइन छाप दोगे तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ हो जाएगा। तुम्हें कुछ और पढ़ने की या याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिखना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। मतलब मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि ये जो लेटर मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ ये आप बस पढ़ के फेंक नहीं देंगे, आप इस प्रॉब्लम को अपनी न्यूज़पेपर में अच्छे से एक जगह देंगे और इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली तुम लेटर टू एडिटर को बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो। मैंने तुम्हें प्रॉपरली बता दिया कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मिडिल पैराग्राफ में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। अब जल्दी से हम लोग लेटर टू एडिटर का एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तुम्हारा क्वेश्चन है यू आर रमन स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई, द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज फुल ऑफ पॉट होल्स एंड ऑल्सो कंजेस्टेड, मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल आर स्टेइंग इन दिस लोकेलिटी, दे आर वेरी ऑफ्टन स्टक इन ट्रैफिक जाम्स, द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन टिल नाउ फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द इशू फेस्ड बाय द पीपल रिक्वेस्टिंग देम फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तुम रमन हो, पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई में पढ़ते हो और तुम जिस रास्ते से होके स्कूल जाते हो ना उस रास्ते में बहुत पॉट होल्स है, मतलब बहुत गड्ढे हैं
और वो रास्ता बहुत छोटा भी है, बहुत कंजस्टेड भी है। इसलिए क्या होता है ना, वहां से ट्रैवल करने में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जो लोकेलिटी में लोग रहते हैं उनको भी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। वो जब भी उस रोड से जाते हैं तो बार बार ट्रैफिक जैम्स हो जाता है और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक रोड कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है जबकि रोड इतना ज्यादा खराब हो चुका है। तो इसलिए तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक लेटर लिखना है ताकि वो इस चीज को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करे और ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से एक्शन ले। अब जल्दी से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे लेटर लिखा गया। बहुत सिंपल है, तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा खुद का एड्रेस मतलब सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। तुम ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे गांधीनगर नहीं दिया गया था लेकिन वहाँ पे पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई लिखा हुआ, तो इसलिए तुम इतना दिमाग लगाकर सोच सकते हो कि मुंबई है तो मुंबई का कोई भी एक जगह का नाम लिख दिए या खुद से बनाकर कोई नाम लिख दिए, तो वैसे यहाँ पे गांधीनगर लगा दिया गया। तो यही तुम्हारा सेंडर एड्रेस हो जाएगा, पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में, फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर नेम, रिसीवर कौन है, द एडिटर, कहाँ का एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसके जस्ट नीचे लिखोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। और फिर थर्ड लाइन रिसीवर का एड्रेस। अब यहाँ पे तुम्हें एड्रेस एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, बस रिसीवर का सिटी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मुंबई, तो ऐसे ही तुम रिसीवर एड्रेस लिख सकते हो। अब फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो तुम्हारा मेन पर्पस है हम उसे वहाँ पे लिखते हैं। तो तुम्हारा मेन टॉपिक क्या है, तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, तुम्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करवाना है, तो वैसे ही यहाँ पे तुम लिख दोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर। बस सब्जेक्ट छोटा सा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मत लिखना, सब्जेक्ट 4, 5 या 6 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और सैल्यूटेशन देना है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखा गया है, तुम ये भी लिख सकते हो, और तुम्हें मन करे तो तुम सिर्फ सर भी लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। फिर एक छोटा सा कॉमा लगाना है और फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब एग्जैक्टली वही बॉडी जो मैंने तुम्हें पिछले पेज में बताया था वही यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वही चीज लिखा गया है, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स के बाद जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो लिखना था। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो तुम देख ही सकते हो यहाँ पे भी प्रॉब्लम लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर मिडिल वाले पार्ट में तुम्हें वही प्रॉब्लम डिस्कस करना है, लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है वो लिखना है, इस प्रॉब्लम का वर्स्ट पार्ट क्या है वो लिखना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, मीडिया वालों को क्या करना चाहिए, वो सब चीजें लिखनी है। अगर तुम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे तो वो सारी चीजों को मेंशन कर दिया गया है, बहुत ही बेसिक सा चीज है, इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को देखोगे तो सेम टू सेम वही चीज छाप देना है जो मैंने तुम्हें बताया था। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिप्यूटेटेड न्यूज़पेपर, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड आल्सो एक्सपेक्ट माय लेटर टू फाइंड सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दिया गया है, तुम चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपने से दिमाग लगाकर ऐड किया गया है, सो दैट गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन टू इम्प्रूव द रोड कंडीशन। और फिर उसके बाद तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना है, मतलब कि वही थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर योर सिंसियरली, उसके बाद तुम्हारा नाम। अब क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे नाम गिवन था रमन, तो यहाँ पे रमन लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम लेटर टू एडिटर लिख सकते हो, आई होप सो तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब तुम्हारे एग्जाम में कैसा भी लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तुम आराम से पांच पास ला सकते हो, बहुत ईजी होता है, कोशिश करना ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करने की बस।